नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के उत्तरी हिस्से के कुछ जिले में हर दिन बारिश की संभावना बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। इस बाबत मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हवाओं की चाल 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा सकती है, जहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून ट्रफ अभी बीकानेर, शिवपुरी, पटना, बालूरघाट से होते हुए पूर्व की ओर नागालैंड की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी चक्रवाती परिसंचरण श्रीलंका के तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में औसत समुद्र तल के 1.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर के बीच बना हुआ है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 24 अगस्त के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में कुछ ही जगहों पर आज बारिश की अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना की बात करें तो आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पटना सहित इससे सटे एक दो इलाकों में बारिश का अनुमान है, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।